हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं अमरदीन ओडन राइडर स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, अभी मैं हो गया हूं रेडी और मैं जाने वाला हूं राइड पे आज अंद्रेटा, जहां पे सोहा सिंह जो एक फेमस आर्टिस्ट थे उनकी आर्ट गैलरी है। और ये अंद्रेटा कहाँ है, ये पालनपुर से 14 किलोमीटर है पड़ता है अंद्रेटा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, हिमाचल में। तो गाइज, मुझे एक दो काम और भी हैं जो अभी मैं जाके रास्ते में करवाऊंगा अगर हो जाएंगे तो, और वो काम क्या है वो राइड पे मैं बताऊंगा आपको। सो चलते हैं गाइज। गाइज, मैं बोल रहा था आपको कि रास्ते में एक दो काम निपटाने वाले हैं, वो भी निपटा के फिर मैं जाऊंगा अंद्रेटा आर्ट गैलरी देखने के लिए। तो वो काम ये है कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था ना, मैंने टायर चेंज करवाए थे अपने इस डोमिनार के, स्ट्रोक टायर डलवाए थे, तो वो बबलिंग हो रही थी इसमें। जब मैं सर्विस सेंटर गया तो उन्होंने बोला कि ये ऑफ रोड टायर लगवा रखे हैं इसमें आपने, तो इसकी वजह से हो रही है। जब मैंने स्ट्रोक टायर डाल दी उसके बाद से भी हो रही थी। उसके बाद मैं सर्विस सेंटर उस दिन गया था तो उन्होंने तो टाल दिया कि अभी ये बहुत दिनों से आपने स्टॉक टायर खोल के रखे हैं उसकी वजह से हो रहा है, थोड़ा सा चला लो। उसके बाद फिर से गया मैं सर्विस सेंटर तो उन्होंने चेक किया, फिर जब टायर चेक किया तो पता चला कि रिम में ना हल्का सा बेंड है फ्रंट वाले में, तो उसकी वजह से वो बबलिंग है। पालनपुर से थोड़ा सा पीछे एक जगह है कालूदी हट्टी, वहाँ पर कोई करते हैं ट्रिम रिपेयर, अगर करता होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, सुना है, अगर होता है तो वहाँ जाके मैं करवाऊँगा और उसके बाद फिर निकलूँगा मैं अंद्रेटा के लिए। तो मैं उसी के लिए अभी निकला हूँ घर से। 1:49 हो गए निकलते, धूप काफ़ी तेज़ है। यह है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो ड्रो में है इधर, यहाँ होती है भाई पुलिस वालों की ट्रेनिंग। बारिश होते ना रोड पे सब देखो पत्थर गिट्टे सब आ जाते हैं, ये सब बारिश के बाद ही आए हैं, जो बारिश हुई है अभी एक दो दिन पहले ना, उसके चलते सारे अगल बगल से बह के ना रोड पे आ जाते हैं। और यहाँ से राइट ले लेंगे हम पालनपुर की साइड में ना। चलो, तो यहाँ से हाईवे स्टार्ट हो जाता है हमारे घर से 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर चलने के बाद ये हाईवे हमें मिल जाता है। और ये ड्रो की छोटी सी मार्केट, यहाँ स्कूल भी है गवर्नमेंट का ना एक सामने। बाजार ना यहाँ से 4 किलोमीटर, मारंडा 11 किलोमीटर। यार ये रोड ना जगह जगह टूटे हुए इधर, और यही रिम बेंड करने का कारण बनते हैं। आप एकदम स्पीड से आओगे और सामने आके ऐसा मिल जाएगा आपको कहीं टूटा हुआ या खड्डा, एकदम से उसी से रिम बेंड होते हैं। या तो ऑफ रोड ही हो तो बंदा चला रहता है धीरे धीरे, है ना, हाईवे मिल जाएगा थोड़ा सा दड़ाएगा, एकदम से कहीं खड्डा आएगा और उसमें जाएगा टायर रुक गया। अच्छा, ये है अंकल जी की दुकान, पूछते हैं इनसे। अंकल जी, खरादी दुकान थोड़ी है ना, रिम रिपेयर कर दे थोड़ा, रिम हो जाएगा थोड़ा बेंड है रिम ची। थोड़ा तिरछा करते हैं, अंकल चेक कर लेंगे खुद ही। राइट साइड में बता रहे थे वो, हम तो इसको सीधा ये कॉलर है ना, ये कॉलर, हाँ जी ये है ना कॉलर, हाँ इसी में इशू बताया उन्होंने, कहीं कहीं से थोड़ा सा बाहर की साइड है वो, हवा निकलती है, हैं हवा तो नहीं निकली है अभी तक, ये बैंड हो जाए ना ये, इसको नहीं होगा कुछ भी, हम तो ये कॉलर बैंड हो जाती है जब बाहर आ जाता है, इसको सेट करते तो कॉलर ही वो हल्की सी बाहर है वो, नहीं होगा। सो गाइस, अभी तो ये करेंगे नहीं, मना किया अंकल ने, वाला नहीं होगा, देखते हैं इसका क्या अल्टरनेट है। और अभी दिलवाते हैं तेल और उसके बाद चलेंगे हम अंद्रेटा, अंद्रेटा के बारे में फिर करेंगे बातें।
यहाँ है पेट्रोल पम्प, यहीं डलवा लेता हूँ ना तेल, और उसके बाद चलते हैं वापस। पर गाड़ी आ रही है पीछे से, आगे पीछे सारी जगह से आ रही है। लो जी पहुँच गए हम पेट्रोल पम्प में, पेट्रोल फुल कर दो भाई जी, नॉर्मल वाला पाई दिया। टोटल डला है 9.85 लीटर डला है, टोटल 930 रुपए का। तो चलते हैं, अभी 11 किलोमीटर है यहाँ से अंद्रेटा, मैप लगा लिया मैंने, यहाँ से मेरे को लेफ्ट लेना है बाईपास से ना। चलो जी पहुँच गए पंचरुखी की मार्केट में, और यहाँ से अभी 2.4 किलोमीटर और है। अंद्रेटा जो है पंचरुखी की मार्केट भी ठीक ठाक ही है, छोटी सी नहीं है। अंद्रेटा, देखो अंद्रेटा के बोर्ड के पास ही पहुंच गया मैं। अंद्रेटा में ही और गैलरी है, सोवा सिंह घाट गैलरी है। चलते हैं भाई। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूं अंद्रेटा, यहीं पे है सोवा सिंह जी की गैलरी ना सामने, ये देखो। दस से पाँच बजे तक ये खुली रहती है ये गैलरी जो है। अंदर चलते हैं और देखते हैं कैमरा लो करते हैं कि नहीं करते हैं। ये यहाँ जो है 25 रुपीज़ पर पर्सन टिकट लगती है, और कैमरा मैंने उनको बोला कि मेरे को वीडियोग्राफी करनी है तो उसके लिए 100 रुपये अलग से, और साथ में उन्होंने एक पास है जो दिया है गले में डाल के रखना है विजिट के दौरान। और एक यहाँ की एक और बात पता चली है कि ये गैलरी जो है ना, ये सोवा सिंह जी की जो फैमिली है उसी वही इसको देखती है, देख रेख करती है, उन्हीं के अंडर में है। तो अभी चलते हैं गैलरी के अंदर, जो उनके द्वारा बनाई हुई पेंटिंग जो है यहाँ अंदर लगा रखी है उनकी आर्ट गैलरी में, वो देखते हैं चल के। गैलरी तो घूम लिए, अभी चलते हैं वापस, और रास्ते में चल के आपको दिखाऊंगा टी गार्डन। Thank you.
बाटी स्टेट, ये है वो जगह। यहाँ रुकते हैं, देखते हैं। टी टूर एंड टी टेस्टिंग, टू टी टूर करके आते हैं अगर जाने देंगे बाटी स्टेट में तो। तो गाइस अभी मैं हूँ बाहर टी फैक्ट्री के बाहर और देखते हैं, अब परमिशन मिलेगी तो अंदर से भी दिखाऊंगा और टी गार्डन्स का भी टूर आपको करवाऊंगा। तो अभी भाई से बात कर रहा था कि अंदर तो अलाउ नहीं है, जहाँ टी प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे अलाउ नहीं है, पर गार्डन कहीं घूम सकते हैं, तो मैं जा रहा हूँ गार्डन घूमने। तो भाई चलते हैं, गार्डन का टूर करते हैं टी गार्डन का। ये देखो भाई, ये सब बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, ये टी गार्डन जो है ना, बाहर टी गार्डन जो है, और यहाँ पे इनकी फैक्ट्री है जहाँ पे टी प्रोसेसिंग होती है। और जो रिसेप्शन पे थे भाई भैया, उनसे मैंने पूछा कि ये यहाँ से डायरेक्ट कलकत्ता भेजते हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट होती है, बाहर जाती है, दूसरी कंट्री में जाती है टी। और टी टेस्टिंग भी करूँगा चल के, कैसा टेस्ट है यहाँ की टी का। गार्डन घूमने के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, अगर आपको गाइड चाहिए, गाइड के साथ घूमना है तो 200 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। ये सब टी की पत्तियाँ हैं, ये इनको तोड़ लिया जाता है फिर आ जाती है, ऐसे करके चलता है। ये देखो, जो फैक्ट्री है वो मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा, गेट के पास में से, जहाँ वो टी प्रोसेसिंग होती है। अंदर अलाउ नहीं है कैमरा, तो क्या कर सकते हैं जब कैमरा अलाउ नहीं है ना। और अच्छा है यार, बहुत अच्छी जगह है, वेरी गुड प्लेस घूमने के लिए ना, देखने के लिए, सारी चीज़ें देखने लायक है। बोलिए चाय की आदत ना, मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बना के छोड़ेगी। तो मैं बाहर से दिखा देता हूँ जहाँ पे टी प्रोसेसिंग होती है। तो ये लिखा है, ये है बाहर टी फैक्ट्री, ये देखो, ये है नो एंट्री विदाउट परमिशन। और यहाँ अंदर होती है टी की प्रोसेसिंग, लीव्स लेके आते हैं और अंदर होती है उसकी प्रोसेसिंग। भाई मैं कर रहा हूँ वेट चाय का, यहाँ की जो टी है उसको टेस्ट करेंगे, बोला थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद निकलूँगा वापस। और यहाँ जो है सेक्शन है ना, ये सेक्शन से आप बाय कर सकते हैं अगर आपको कुछ लेनी है टी। टी करी टेस्ट, 24 टाइप ऑफ टीज है जो यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं, विदाउट शुगर विदाउट मिल्क के। और उनमें से कुछ टी है जो मुझे पसंद आई, बड़ा अच्छा सिस्टम बना रखा है उन्होंने कि आप टेस्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये घड़ी है अपनी बाइक। चलो भाई, इस खूबसूरत जगह को छोड़ते हैं, अभी जाने का मन तो नहीं कर रहा है, सोच रहा हूँ कि 2-3 घंटे और बैठ जाते तो अच्छा था, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही ना 2-3 घंटे के बाद में भी। ये देखो भाई, सो गाइस ये था आज का ब्लॉग जिसमें मैंने आपको दर्शन करवाए बाहर टी स्टेट के, जो कि 1857 में बना था, और सुभाष सिंह आर्ट गैलरी के। और आई होप आप सभी मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं, अगर आप सभी को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ और मिल रहा हूँ आप सभी से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज, ड्राइव सेफ एंड स्टे सेफ गाइज़।